आपका नाम क्या है और आपने कौन सा रिसेंट एग्जाम दिया है, और उसके लिए आप स्टूडेंट्स को क्या कम्युनिकेट करना चाहोगे, फर्स्ट कंक्लूजन उनको बताते हैं, फिर आगे आपके बारे में वो सुनेंगे। मेरा नाम दीक्षा भंडारी और मैंने रिसेंटली सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया है। और रही बात कंक्लूजन की, तो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही बताऊंगी कि मेरे सीए फाउंडेशन क्लियर करने में मेन रीज़न रहा है टेस्ट सीरीज, जो कंसिस्टेंटली जो टेस्ट सीरीज देते रही है उसमें, उसकी वजह से मैं पास हुई होगी। फिर आप लेक्चर को कितना इम्पोर्टेंस देंगे, मतलब लेक्चर करना चाहिए या सेल्फ स्टडी करना चाहिए, उसको कितना बोलेंगे आप? लेक्चर्स इम्पॉर्टेंट है, बट लेक्चर से भी ज़्यादा शायद मैं कहूँगी कि टेस्ट सीरीज इम्पॉर्टेंट है। लाइक अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो मैं कहूँगी कि 40% लेक्चर्स, 60% टेस्ट सीरीज। जिसने टेस्ट सीरीज दी हो और फेल हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता? नहीं, नहीं होगा। लाइक वो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में फेल होते रहेंगे। मैं खुद प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में कभी अच्छा स्कोर आया, कभी कम आया, कभी फेल भी हुई हूँ, बट स्टिल वो सब हो जाता है कवर। जो एक टेस्ट में जो मिस्टेक हो जाएगी, अगली टेस्ट में वो रिकवर होती है, तो ऐसे करते करते वो स्कोर इम्प्रूव होते रहता है। अच्छा, अगेन एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व की है कि स्टूडेंट बहुत बार ऐसा जजमेंट करते हैं कि हमको 11 से सीए फाउंडेशन नहीं लगाना चाहिए, 12 से भी, कुछ लोग रहते हैं 12 से भी नहीं लगाते हैं और 12 के बाद लगाते हैं। मैं कुछ आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप बताइए कि अब आप अपने आप को रियलाइज़ कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स पहले पास हुए, ये सब हुआ, आपको क्या लग रहा है कि आप अपने जूनियर को क्या सजेस्ट करो कि कब से सीए फाउंडेशन की क्लास लगानी चाहिए? वैसे तो ऐसा कुछ नहीं लाइक, बट स्टिल अगर 11 से ही ज्वाइन किया रहेगा तो ऐसा हो सकता है कि अभी 11th में ज़्यादा स्टडी नहीं करना पड़ता इतना, तो उस टाइम में आप सीए फाउंडेशन की स्टडी कर सकते हो। फिर 12th इम्पॉर्टेंट, सब कहते हैं कि 12th इम्पॉर्टेंट है, सो 12th में आप 12th पे फोकस कर सकते हो। और फिर से अगर 12th होने के बाद फिर बचते 2-3 महीने, तो उन 2-3 महीने में फिर से सीए फाउंडेशन कर सकते हो। तो ऐसा अगर प्लान किया तो शायद मेरे को लगता है कि मई जून अटेम्प्ट में ही आपका हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, हम 100% गारंटी देते हैं, बहुत बार बोलते हैं कि 100% गारंटी है सीए में, सीए फाउंडेशन हमारा आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, आपका कौन सा अटेम्प्ट में क्लियर हुआ? मेरा अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ। अच्छा, तो ये 100% गारंटी जो हम देते हैं उसका कंडीशन आपने भी बहुत बार सुना है क्लास में और हम एडमिशन के टाइम पे भी बोलते हैं, तो ये 100% गारंटी के बारे में कुछ बोलेंगे क्या? उसमें उन्होंने दो कंडीशंस रखी है, एक तो 90% अटेंडेंस और टेस्ट सीरीज। अगर ये दो चीज़ें हो गई है तो आपका पासिंग कंफर्म है। नोट्स के बारे में भी आप कुछ बोलेंगे कि जो हमारा एक नोट्स मिला है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इन्वॉल्व्ड हैं विद सॉल्यूशंस, तो आप उसमें कितना आप वेटेज देना चाहोगे, उसमें जो एक्सपीरियंस है आप उसके बारे में बोलेंगे नोट्स के बारे में? बिल्कुल, लाइक कभी कभी हमें समझ नहीं आता था कि पढ़ाई करूँ तो किस में से करूँ, कैसी करूँ। लाइक लॉ का हमें पता नहीं, समझ नहीं आता था कि लॉ का भी कितने बार वही चैप्टर पढ़ते रहूँ, तो वो नोट्स के उसमें बहुत हेल्प हुई कि उसमें ऑलरेडी पास्ट ईयर क्वेश्चंस थे या फिर कुछ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो वो नोट्स पढ़ के लॉ में तो सबसे ज़्यादा नोट्स की ही हेल्प हुई है। और रही बात मैथ्स और इकोनॉमिक्स के भी बहुत सारे लिटरली हंड्रेड्स में क्वेश्चंस थे हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से, तो नोट्स की बहुत हेल्प हुई। और अकाउंट्स के भी हर एक एक चैप्टर से 20-30 क्वेश्चंस तो ज़रूर होंगे। जो ये सीए फाउंडेशन का जो 12th के साथ कर लेते तो आपका बहुत जल्दी हो जाता, तो उसके बारे में एक और है ओपिनियन, और आपने सेल्फ स्टडी कितना कर रहे थे जबकि आपके पास 12th के बाद तो कुछ काम भी नहीं था, तो आप सेल्फ स्टडी भी नहीं करते थे, और क्या करते थे एग्जैक्टली, कितना स्टडी करते थे? मुझे ये बहुत बार रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं अगर मई जून का अटेम्प्ट दे देती तो शायद मई जून में क्लियर कर सकती थी, क्योंकि जिस हिसाब से उसके 12th के बाद जिस हिसाब से स्टडी हुई उस हिसाब से लग रहा था कि शायद मई जून में ही क्लियर हो सकता था। और रही बात सेल्फ स्टडी की, तो शायद मुझे नहीं लगता मैं क्लास के बाद 2 आवर्स से ज़्यादा एवरीडे पढ़ी होंगी स्टार्टिंग से। फिर एवरीडे नहीं, और वीकेंड्स की बात अलग ही रही, वीकेंड्स में तो मतलब पूरे मजे जिंदगी के लूटते हुए आपने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया। ओके, लास्ट में कुछ और आप क्लासेस के बारे में बोलना चाहेंगे, जितना मजा मस्ती से पढ़ाई करते हैं क्या आप जूनियर को सजेस्ट करोगे? क्लास में तो पूरे मजा मस्ती में हो गया था, लाइक सजन सर होंगे, ऐश्वर्या मैम होंगी, तो दोनों ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाते ही रहे या फिर सिर्फ लेक्चर्स पे ही फोकस रहा, सिलेबस पे ही फोकस रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सिलेबस पूरा मजा मस्ती से हो गया था, हमें बिल्कुल ऐसा बर्डन सा फील नहीं हुआ कि अभी सिलेबस कंप्लीट करना है, आराम से हो गया था। लाइक
और सेल्फ स्टडी के लिए भी पूरा टाइम मिला था। हमने आरटीपी एमटीपी मॉक टेस्ट जो रहे आपके पास एग्जाम क्वेश्चन पेपर सब क्लास में डिस्कस और सॉल्व होते गए, तो इसलिए स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस अलग लेवल में रहा। और लेकिन लास्ट में फिर से मैं आपको बोलूँगा, जो लोग अभी अपीयर करने वाले हैं या कि जो अभी चालू कर रहे हैं, मैं फिर से उनको इनके भी थ्रू मैंने कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, सिर्फ सेल्फ स्टडी चाहे वो 11th हो 12th हो या सीए फाउंडेशन, स्पेसिफिकली सीए फाउंडेशन, बच्चों जब तक टेस्ट नहीं दोगे ना आपके पासिंग के चांसेस बहुत कम रहेंगे। इनकेस आपने टेस्ट मेरा नहीं, चलिए कहीं का भी टेस्ट अपीयर करिए, चैप्टर वाइज करिए, 50% 100% सिलेबस करिए, आपके चांसेस जितने आपने पास का मत देखिए, मार्क्स का मत देखिए, आप एक एटमॉस्फेयर में देखिए लिख के, नहीं तो डायरेक्टली आप जाके फाइनल एग्जाम लिखो या कि एक दो मॉक टेस्ट से देने से इंस्टीट्यूट का काम नहीं चलेगा। आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ पेपर्स अपीयर करने पड़ेंगे सो दैट उसकी एश्योरिटी जो रहती है आपके पास होने की बहुत ज़्यादा हो जाती है।